कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस फिल्म का बजट था 500 करोड़ रुपए। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की कुछ काम है जो अभी बाकी है, पर आने वाले कुछ दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। पर इस फिल्म पर एक संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ फैंस है जो अपनी इस पर नाराजगी दिखा रहे हैं। फिल्म के फाइनल रैपअप के बाद भी कोई भी सॉन्ग या टीजर रिलीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से फैंस काफी अपसेट लग रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने से पहले ही ऑडियंस के बीच काफी र्यूमर्स आ गए हैं, जिसने ऑडियंस का काफी और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। जब फैंस की उम्मीद पर पानी फिरा तो फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं इस फिल्म से। वैसे आपको बता दें, अभी फिल्म का ना ही कोई टीजर रिलीज किया जाएगा और ना ही कोई गाना, तो आप किसी भी र्यूमर्स पर बिलीव ना करें, क्योंकि इसे पहले भी कहा जा रहा था कि प्रभास के बर्थडे पर फिल्म का टीजर रिवील किया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म के लिए आपको अभी कम से कम 3 महीने तो वेट करना ही होगा, क्योंकि फिल्म का जब तक टेक्निकल काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई भी टीजर, सॉन्ग या कुछ भी पोस्टर आउट नहीं होगा। मेकर्स का कहना है कि फिल्म का प्रमोशन शानदार तरीके से होगा, जिससे फैंस की सारी नाराजगी तुरंत में ही दूर हो जाएगी। वैसे फिल्म का फर्स्ट लुक या टीजर रामनवमी तक आपके सामने आ जाएगा, तो आपको बस थोड़ा और इंतजार करना है। वैसे आने वाले दिनों में प्रभास के फैंस को उनकी कई हाई बजट वाली फिल्म बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। इस फिल्म में भी वो राम की भूमिका निभा रहे हैं और तैयार हैं लोगों को अपने एक बार फिर से अपने एक्टिंग से इम्प्रेस करने के लिए। एक नाम है जो प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से जुड़ा हुआ है, वो है स्पिरिट। आदि पुरुष को अगस्त 2022 में थिएटर में रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग भी हमें बताएं कि आप भी फिल्म के फर्स्ट लुक और टीजर के इंतजार में बैठे हैं, और कुछ नई फिल्मों के अपडेट्स को जानने के लिए फॉलो करें बॉलीग्रैंड स्टूडियो।